अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपके फादर एंड प्रियंका के फादर गाया करते थे भजन वगैरह सारा कुछ, और आप लोग उनके सामने खड़े होकर के बात करते थे। इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एक डिबेट चल रही है कि जो भजन या अजान के टाइम पे लाउड स्पीकर्स नहीं यूज करने चाहिए। कितनी स्मार्टली दो क्वेश्चन जिनका कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे से। आपने ये भी तो कहा कि जो सिंगर लीजेंड है वो तो कामयाब रहता ही है, आप कोई सिंगर रिप्लेस करा नहीं सकता। ऑफ कोर्स एक सिंगर को उसकी पहचान बनाने की जरूरत नहीं, वो कामयाब रहता ही है। जी अच्छा है तो दिखता ही है। जी सिंगर यू नो बॉलीवुड की हम बात करें, जब बहुत जिम्मेदारी होती है, जब भी आप कुछ कहते हैं, एक सोनू निगम के लेवल का सिंगर उठ के कुछ इस तरह की बात कहता है जो नहीं कहनी चाहिए, कुछ उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कह सकते हैं, कुछ एतराज भी कर सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? On a celebrity expressing his opinion or on the issue? Which is the standard of Sunnigam ki leader should not be forced, for example, early morning alarm should not be there. What's your opinion? I don't have. We don't explain you. गुरुद्वारे में होने वाले साउंड से भी एतराज कर रहे हैं, जो भी प्रेयर होती है वो शांति से हो, लाउडस्पीकर लगाकर ना शांति से। आई रियली फील दुनिया में हर इंसान को, यू मी एनीबॉडी हैज देयर ओपिनियन हाउ दे वॉन्ट टू शेयर इट, चाहे उनको घर में डिस्कस करना है या ट्विटर पर लिखना है या जैसे भी करना, आई थिंक दैट इज देयर ओपिनियन। आई पर्सनली हैव नो ओपिनियन on this, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ नेशन, या मतलब हमारे डेमोक्रेसी में आप कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आपको लोग आपको आपके लिए नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, फिर भी आप सब जी रहे हैं। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ नेशन। इन फैक्ट आपका अपना ओपिनियन होता है, कहीं को अच्छा लगेगा, कहीं किसी को नहीं लगेगा, पर आई थिंक ऑफकोर्स बींग इन पब्लिक आई यू हैव टू बी, या आप वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या, आप क्या करना चाहते हैं, उस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया पर।